कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन के सर्वे में जो चीजें निकलकर सामने आई उससे ये साफ साबित हो गया कि आने वाले दिनों में जब इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तो कुछ एक ऐसा फैसला आने वाला है जो कि चौंकाने वाला होगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तीसरे दिन के सर्वे के बाद जो चीजें निकलकर आई हैं वो क्या है। दरअसल आज ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े हुए सर्वे का तीसरा दिन था, पूरी टीम ने सर्वे किया और सर्वे के बाद जब ये टीम बाहर निकलकर आई तो उसमें से कुछ लोगों की तरफ से कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं जो एक पक्ष को काफी खुशी दे रहे हैं और दूसरे पक्ष के माथे पर पसीना ला रहे हैं। मामला उस वक्त का है जब ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद निकली टीम ने एक शब्द कहा और वो शब्द था कि बाबा मिल गए। और बाबा मिल गए के बाद वहां पर जिस तरह से लोगों में खुशी का माहौल देखा गया, हालांकि यह जरूर बताया गया कि अभी इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, लेकिन सर्वे के दौरान जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो जरूर चौंकाने वाली हैं। लोगों की तरफ से यह कहा गया है कि बहुत मशक्कत के बाद, बहुत कोशिशों के बाद उन जगहों का सर्वे किया गया जहां के सर्वे में कुछ ऐसी चीजें, ऐसे चौंकाने वाली चीजें निकल कर आई हैं जो एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगी कि आखिर इस सर्वे को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद में जहां पर वजू की जाती है वहां पर एक तालाब था, उस तालाब के सर्वे के लिए पहले भी सर्वे टीम ने कहा था कि इस जगह का हमें सर्वे करना है, वहां के पानी को हटाया जाए, साफ किया जाए, उस पर काफी रस्साकशी भी हुई थी, लेकिन जब वहां पर पानी हटाया गया और आज वहां पर सर्वे किया गया तो सर्वे के दौरान उस वजू वाली जगह पर जहां पर वो तालाब था वहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकल के आया है। और उसके बाद जब ये टीम बाहर आई तो इन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि बाबा मिल गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब आज तीसरे दिन का सर्वे चल रहा था तो सर्वे के बाद वहां पर शिवलिंग मिलने की जो बात आई है, अब इस पूरे मामले को लेकर के ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और फैसला क्या होगा उसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस जगह पर शिवलिंग मिला है जहां पर सबका अंदेशा था। इसके पहले भी बताया गया था कि कई ऐसे चौंकाने वाले साक्ष्य मिले हैं जिनके बारे में सोचा तक नहीं गया था कि मस्जिद के अंदर ये भी हो सकता है। और आज जो साक्ष्य, जो सबसे बड़ा साक्ष्य निकला है, उसने कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को बिल्कुल से खत्म कर दिया है। सर्वे करने वाली टीम में कुछ लोग ऐसे शामिल थे, कुछ याचिकाताओं की तरफ से अगर उनके बयान सुने जाएं तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि शिवलिंग उस जगह से मिला है जहां पर नमाज के दौरान नमाजी अपना वजू करते थे और उस जगह से शिवलिंग मिलने के बाद ये सारे सवाल बिल्कुल से खत्म हो चुके हैं कि मस्जिद और उसका जो इतिहास है वो कितना सच्चा है, कितना सच्चा नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी अहम चीजें जो हैं इस ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़ी हुई निकली हैं, लगातार उस पर चर्चा होती आई है और लगातार टीम ने यह कहा भी है कि यहां पर कुछ ऐसे प्रमुख साक्ष्य निकले हैं जिन साक्ष्यों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था इस जगह की वीडियोग्राफी कराने से पहले। तो क्या यही कारण था कि इस जगह की वीडियोग्राफी कराने का विरोध किया जा रहा था? क्या यही कारण था कि जब वीडियोग्राफी करने वाली टीम वहां पर पहुंची थी तो उनका विरोध किया गया था? क्या यही कारण था कि गौरी माँ के श्रृंगार के लिए वहां पर लगातार विरोध होता आया है? साल में एक बार ये प्रक्रिया होती थी, महिलाओं ने कहा कि हमें रोज गौरी माँ का दर्शन करना है, पूजन करना है, उनका श्रृंगार करना है, अपनी पूजा पद्धति करनी है, और उसके बाद विरोध हुआ, उसके बाद याचिकाएं पड़ी, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुआ और कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी करवा करके सारी चीज़ों का जो बहीखाता है वो तैयार कर लिया जाए, क्या वहां पर सच्चाई है ये पता लगाया जाए, और सच्चाई के बाद आज जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उससे साफ साबित हो गया है कि आखिर इस जगह का इतिहास क्या है। हालांकि रिपोर्ट अभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई है, कोर्ट क्या फैसला देता है ये भी
देखना अहम होगा, लेकिन उसके पहले ये जो साक्ष्यों के बाद बयान आए हैं याचिकाकर्ताओं के या फिर उनके वकीलों के, उसे साफ साबित हो रहा है कि बहुत कुछ अहम अब 17 तारीख के बाद होने वाला है। कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसमें बहुत कुछ चौंकाने वाली चीजें भी निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि शिवलिंग के बारे में तो बता दिया कि शिवलिंग निकला है, लेकिन शिवलिंग के अलावा कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर निकली हैं ये बताया जाएगा उस रिपोर्ट के आधार पर, और कोर्ट बताएगा कि अब आगे क्या करना है। हालांकि आज जब शिवलिंग के बारे में पता चला तो याचिकाकर्ताओं की एक टीम ने कोर्ट में जाकर के इसके बारे में सूचना दी और कोर्ट की तरफ से आदेश किया गया कि इस जगह के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया जाए, वहां पर कोई भी आए जाए ना, वहां पर अब आगे से वजू ना हो, जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष के या फिर ऐसा कहा जाए कि कुछ ऐसे नेताओं के कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जिनमें उन्होंने नाराजगी जताई है। और सबसे बड़ा बयान AIIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आया है। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद कयामत तक रहेगी, वहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद ही थी, हमने एक समय पर बाबरी मस्जिद खो दिया था लेकिन इस बार हम ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं खोएंगे, हम इतिहास नहीं दोहराएंगे, जो भी हो सकता है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये लड़ाई अभी आगे तक चलने वाली है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से वीडियोग्राफी के तीसरे दिन ये जो प्रमुख साक्ष्य निकले हैं, इन साक्ष्यों के आधार पर ये लगभग तय हो गया है कि आखिर जो इतिहास हमें एक लंबे समय से एक पक्ष की तरफ से बताया जा रहा था मस्जिद को लेकर के, उसमें कई सारी चीजें जो हैं वो छुपी हुई थी जो वीडियोग्राफी के जरिए निकल कर सामने आ गई हैं। और अब 17 तारीख के बाद जब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा तो वहां पर कहीं ना कहीं कई सारी अहम चीजें निकल कर सामने आएंगी। इसके अलावा ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या अब ज्ञानव्यापी के बाद देश प्रदेश में कई और ऐसी जगहें हैं जहां को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, जहां को लेकर के याचिकाएं पड़ी हैं, तो क्या उनके सर्वे की भी या उनकी जांच पड़ताल की भी मांग अब और तेज होगी, ये भी देखना होगा। सोहनलाल आर्या जो कि याचिकर्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर आज सर्वे के बाद निकलकर इस बात का जिक्र कर दिया कि जिन जगह का आज हमने सर्वे किया है वहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान भोलेनाथ या फिर बाबा मिल गए, तो ये साफ साबित हो गया कि आखिर वहां पर कुछ ऐसे प्रमुख साक्ष्य मिले हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई, क्या है इसके पीछे, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। लिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूं, देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिले और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए हो गए, और जो इतिहासकार ने लिखा था
मिल गए क्षण और विशेष कुछ नहीं आराम से हैं, हालांकि मालूम तो सब है क्या बोले भाई बोला, ये है कि जो सोचा फिर अगली बार हम जो कहते जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम बड़ा भी मानते हम सब लोग, जैसे ही वह समय आया मस्जिद प्रांगण हो गया। तो देखा आपने वो प्रमुख बयान जो आज इस पूरे मामले को देखते हुए आए हैं, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जिस मामले को लेकर के सबसे ज़्यादा संजीदा थे आखिर वही हुआ। और AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आपने सुना, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है कि अब हम बाबरी वाला मामला फिर से नहीं दोहराएंगे, हम इस बार ज्ञान व्यापी को नहीं खोएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मैं चर्चा शुरू करता हूं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ स्वर्ण महासभा से जुड़े हुए हैं, शेख ताहिर सिद्दीकी नागरिक एकता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नईम भाई आप ही के पास आना चाहूँगा, आज की जो सर्वे की कार्रवाई हुई उसके बाद वहाँ पर जो हिंदू पक्षकार या फिर कुछ वकील निकल कर सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि बाबा मिल गए, अब क्या करेंगे आप आगे? मेरा मानना है कि मैं सबसे पहले अपने देश का न्यायपालिका का स्वागत करता हूँ और तहरे दिल से उसका शुक्रगुजार हूँ कि जो भी फैसला 17 को आएगा मैं उसको मान्य है और मैं उसको लिए मानूंगा भी और मैं उस पर चलूंगा भी। नहीं, आपको लगता है ना कि ये जितनी भी चीज़ें आज बताई गई हैं, जो भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उनमें सच्चाई है? देखिए, उसमें तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं जब तक के हमारी रिपोर्ट जो 17 तारीख को जब तक के हमारे न्यायाधीश अजय मिश्रा जी जब तक के उसको डिक्लेयर नहीं कर देंगे तब तक के हम लोग अभी उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी मस्जिद का है मसला, तो इसलिए हम अभी भी मस्जिद का मसला बचा हुआ है जी। जब तक के उसकी रिपोर्ट हमारे न्यायपालिका से बिल्कुल डिक्लेयर नहीं हो जाती है तब तक के हमारी। अच्छा, मान लीजिए डिक्लेयर भी हो गई, लेकिन ये ओवैसी साहब तो कुछ और नाराज दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबरी वाला मामला हम इस बार नहीं दोहराएंगे। देखिए, ये ओवैसी साहब का अपना वक्तव्य है, वो कुछ भी कहे, लेकिन मुझे जुडिशरी पे बहुत ही कमांड है और हमें देश के अपनी इस न्यायपालिका पे पूरा मुझे गर्व भी है कि वो जो फैसला करेगी वो मुझे मान्य है और मुझे लगता है कि वो फैसला जो भी होगा वो किसी के भी पक्ष में जाए वो सही फैसला होगा। ठीक है, शेख ताहिर सिद्दीकी हमारे साथ नागरिकता पार्टी से। ताहिर भाई, अब आगे क्या होगा सुनने में आ रहा है, क्योंकि आज जो सर्वे की रिपोर्ट लगभग तो 17 को दिखाई जाएगी, लेकिन आज सर्वे के बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया है कि शिवलिंग दिखा है, शिवलिंग मिला है वहां पर, क्या कहना है? ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि 1991 में जो आर्टिकल है उसका सीधे वायलेंस हुई, साफ साफ कह दिया गया था कि जो भी वर्षक की जगह है उसमें कोई अब तब्दीलियां नहीं आ सकती, कोई बदलाव नहीं हो सकता और ना ही कोई अब दावा हो सकता। इस आर्टिकल को अगर पूरी तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी, बाबरी हमसे चली गई है और बाबरी को छोड़ करके ये तैयार हुआ था कानून, लेकिन इसके बावजूद एक याचिका दाखिल होती है, याचिका में कल तक कोई चीज नहीं मिलती है। तालाब में जहां पहले था और उसके वजू खाने में बताया जा रहा है कि शिवलिंग प्राप्त हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर कभी फाउंटेन रहा है और जब कोई फाउंटेन फव्वारा रहता है तो उसकी कोई चीजें रहती हैं, तो उसको जो है वो शिवलिंग बता अच्छा, रहे हैं। अभी आप मान नहीं रहे, आप रिपोर्ट का इंतजार करना चाहते हैं? देखिए, रिपोर्ट पहली बात तो ये है कि आज जो हुआ है कि अभी रिपोर्ट कल सबमिट की जाएगी और उस रिपोर्ट को पहले ही जो है समाज के सामने कर दिया गया है। अच्छा। ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है, रिपोर्ट कहां की गई? उन्होंने तो थोड़ा बहुत बताया, उन्होंने कहा कि जो हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा वहां पर, उन्होंने रिपोर्ट थोड़ी नहीं, नहीं, आप रिपोर्ट देखिए सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है। अच्छा। और उसको कहा गया है ठीक किया जाएगा और वजू की जगह पे वजू नहीं किया जाएगा, तो ये चीजें जो है पहले एक नैरेटिव सेट किया जाता है माइनॉरिटी को लेकर के, खास करके मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं या उनकी किसी भी मामला को लेकर के नैरेटिव सेट किया जाता है बहुसंख्यकों के अंदर। कोर्ट ने भी तो कहा कि उस जगह को सील कर दिया जाए। सीधे इस देश को जो है मुद्दे से भटकाना है, यहाँ पर कोई चीज विकास पे बात ना हो,
यहाँ पर जॉब पे बात ना हो, यहाँ पर जो है किसी तरीके से ये देश डेवलप ना कर पाए, सिर्फ मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेकर के देश को आज ये बात तो हम ही आप करते हैं ना, कोई और थोड़ी ना करने आता है, बाहर से थोड़ी ना आता है, हम ही आप जैसे लोग इस तरह के मुद्दों को चर्चा करते हैं, बात करते हैं और ये मुद्दे कहीं ना कहीं उठाए जाते हैं। नहीं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है ऐसे मुद्दों को दूसरे लोगों से उठवाती है और याचिका डलवा करके ये सब, ये एक जो है पूरा प्री प्लान करा के किया जाता है। और हम लोग तो इस चीज पर, अब कोई ये चीज हमने तो नहीं डाली जाती है, लेकिन जब ये चीज पड़ी है तो हम अपने जो है डिफेंस में अपनी बात तो कहेंगे। और मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद इंशाल्लाह ता कयामत रहेगी, ये सच है। जहां पर एक बार मस्जिद बन जाती है वहां मस्जिद रहती है, मस्जिद को कभी मस्जिद की जगह दूसरी चीज कोई बनी नहीं सकती। और एक बार बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कहा गया कि वहां पर जो है मस्जिद को जो डेमोलाइज किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया, वो क्रिमिनल ऑफेंस था। ये भी कहा गया कि रामलला वहां पर थे, ये साबित नहीं है। इसके बावजूद भी तरह तरह की बातें कहने के बाद हमसे हमारी मस्जिद को छीन लिया गया। नईम सिद्दीकी कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो सर्वमान्य होगा, आप कुछ और कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। कोर्ट जो कह रहा है हम उसको मान रहे हैं, लेकिन जो है कोर्ट के फैसले पर हम अपने व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं। कोर्ट के फैसले पर हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, ये भी मुझे संविधान ने अधिकार दे रखा है। ठीक है, सहमति और असहमति जो है ये जरूर इस देश के अंदर है, तभी ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो है ये गुलदस्ता बना हुआ है। तो सहमति और असहमति हो सकती है। अब जिसके पक्ष में फैसला आया है वो सहमत है, और जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो असहमत होगा, और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इंशाल्लाह जो है हमारे फेवर में जो है फैसला होगा, क्योंकि ये 1991 का जो है वायलेंस है पूरा। उल्लंघन हुआ है। दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, हालांकि मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी क्या? देखिए दो विषय, यहाँ पर सोशल मीडिया की बातें, धरातल पे क्या हकीकत क्या है, कोर्ट के पास एविडेंस गए, साक्ष्य गए, और तभी कोर्ट ने कहा कि उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। इसका मतलब है कि साक्ष्य कोर्ट के पास गए हैं, और अगर कोर्ट को कोई ऐसी चीज नहीं मिलती तो कोर्ट कभी यह नहीं कहता कि इस एरिया को सील कर दीजिए। ठीक है, और अभी उन्होंने माने इस स्तर का उदाहरण यहां पे दिया जा रहा है कि उस तालाब में एक फाउंटेन था। अरे कौन सी दुनिया से आते हैं आप, जहां पर नंदी हैं, जहां पे सिंगार गौरी हैं, वहां भगवान शिव हैं। और जिस मस्जिद की बात आप कर रहे हैं ना, वह मस्जिद कुछ दिन की ही वहां पर मेहमान है, कुछ दिन की, कुछ दिन बाद मस्जिद खत्म हो जाएगी। और आप लोगों का जो ये पूरा का पूरा नैरेटिव है कि किसी भी तरीके से विवाद को खड़ा करना, अरे जहां न्यायपालिका खुद इन्वॉल्व है, उसके ही देखरेख में सब कुछ हो रहा है, तो अपने देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास करें, और जो वो निर्णय लेगा उस पर हम लोग सभी लोग मानने के लिए तैयार रहें। ये ताहिर भाई तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब की भाषा ही बोल रहे हैं कि नहीं, मस्जिद है तो ओवैसी, देखिए ओवैसी का अगर इस भारतीय व्यवस्था में या भारतीय जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इस लोकतंत्र में एक नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसको ये भी समझना चाहिए कि इस देश में एक राष्ट्रवादी सरकार भी है। वह सरकार लोकतंत्र को सजो करके रखना चाहती है। अगर वो रौदने पे आ जाए तो कल का सूरज नहीं होगा और कल की रात नहीं होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, रक्षा किया जा रहा है, और इतना बोलने के लिए इजाजत मिलता है, यही लोकतंत्र है। ठीक, इस बागवान को सजो के रखना हम लोगों का काम है। हम लोग जितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे, समाज धरातल पर वही उसी रूप में कार्य करेगा। न्यायपालिका है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर न्यायालय कह देगा कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, वहां तो एक फाउंडेशन, वहां पर एक आपके हिसाब से एक वहां पे फाउंटेन था, तो भाई फाउंटेन था तो ठीक है, भगवान शिव नहीं है। लेकिन अगर भगवान शिव का वो
लिंग नहीं होता वहां, अगर भगवान शिव नहीं होते वहां, तो न्यायपालिका कभी इस बात पर बिल्कुल नहीं कहती कि उस एरिया को सील कर दिया जाए। और मेरे हिसाब से तो जितने भी यहां पर सनातन धर्म के जानने वाले समझने वाले मुसलमान हैं, यदि वो भी जान जाते हैं कि यहां ये भगवान शिव हैं, तो किसी रूप में वहां पर वो अजू नहीं करते, वहां पे कुल्ला नहीं करते, वहां पे पैर नहीं धुलते, वहां हाथ नहीं धुलते, क्योंकि सनातनी व्यवस्था में हम धर्म को जीते हैं। और जो धर्म को जीता है वो किसी धर्म के विषय में कोई अनर्गल बात नहीं करता है और न तो किसी भी धर्म को वो आहत करता है। ठीक है सर, ठीक। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ प्रदीप भाई, आपने भी सुना होगा आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या स्टैंड है आपका, आपकी पार्टी का? नहीं, न्यायालय का सब सम्मान करते हैं जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो, और तमाम फैसले न्यायालय देता है। न्यायालय ने बात दायर हुआ, न्यायालय ने कोर्ट कमीशन बैठाया, तो कमीशन को रिपोर्ट कोर्ट में देनी है, तब तक रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए थी। फैसला तो न्यायालय को करना है और साक्ष्य के आधार पर करना है। फैसला ना आपको करना है ना हमें करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का एक बड़ा रोल है। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस तरीके से हम लोग सब धर्म का अपना अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबको अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। हमें भी अपना अधिकार है, भगवान कृष्ण जी को मानते हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। लेकिन धर्म के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है, धर्म के साथ साथ नौकरी जरूरी है, महंगाई पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की संसद हो या विधानसभा हो, इन लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए बनाया जाता है। अब जिस तरीके से लोग आज इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं बाबा मिल गए, अरे भगवान हम भी मानते हैं, शंकर भोले शंकर के भक्त हम भी है, लेकिन उस चीज को राजनीतिकरण करना या मीडिया पर वायरल करना, अरे न्यायालय में आप चुपचाप रिपोर्ट देते, न्यायालय फैसला सुनाएगा, सब मानेंगे, किसी की हिम्मत न्यायालय के फैसले को नहीं मानेगा। आप बताइए नितिन जी, किसने नहीं माना आज तक फैसला? बिल्कुल सही, अच्छे लोगों ने फैसले माने न्यायालय के, अच्छे अच्छे बड़े बड़े धुरंधर अपराधी न्यायालय का जब डंडा चढ़ता है कोर्ट में घुटने के बल जाकर सरेंडर कर देते हैं। तो इसको एक राजनीतिक रूप देना गलत है। धर्म धर्म की जगह रहेगा, राजनीति राजनीति की जगह रहेगी, लोकतंत्र लोकतंत्र रहेगा, और लोगों को रोटी रोजगार महंगाई जिस जो हालत आज देश के हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। केवल धर्म की बात पे डिबेट करने से या धर्म की बात धर्म के पालन करने से लोगों की व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए लोकतंत्र में भरोसा अगर सब रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने कमीशन बैठाया, कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी, न्यायालय जो फैसला करेगा सब मानेंगे, और जो संतुष्ट नहीं होगा उनके लिए ऊपर बहुत न्यायालय पड़े हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़े। ठीक है सर, लेकिन इसका राजनीतिकरण राजनीति से जोड़ के ये नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अभी आप भाई साहब कह रहे थे कि राष्ट्रवादी सरकार है, अरे सब लोगों ने संविधान की शपथ ली है, हम भारत के लोग हैं, लोकतंत्र की पहली उसमें लिखा है पुस्तिका में, तो या आप इसको सांप्रदायिक नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आता हूं। ये सेकुलर देश है। ठीक है, मैं आता हूं प्रदीप जी। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। चौबे जी, क्या कहूं मैं आपको, मैं आपकी तारीफ करूं, मुबारकबाद दूं, या फिर जो बयान अभी आपने सुने हैं ताहिर भाई के या बाकियों के, AIM चीफ के, इन पर क्या कहना? नहीं, देखिए, जैसा कि इस पैनल में बैठे सभी लोगों ने जो है संविधान की दुहाई दी, न्यायालय की बात मानने की बात कही, तो बिल्कुल माननीय न्यायालय के संज्ञान में पूरा मामला जा चुका है, उन्हीं के आदेशा अनुसार सर्वे हुआ, उन्हीं के आदेशा अनुसार आज जो है वहाँ पर जो है उस परिसर को जहाँ पर जो है शंकर जी की मूर्ति मिली है, जो मिला है उसको जो है सुरक्षा घेरे में रखा गया है, उन्हीं के न्यायालय के अनुसार ही जो निर्णय आएगा, जो सर्वे में गया है, जो साक्ष्य गए हैं, अगर वो साक्ष्य सही होंगे न्यायालय के को लगेगा तो उसी के अनुरूप न्यायालय निर्णय देंगे, और उस निर्णय को हम सभी लोगों को मानना चाहिए, इससे आगे और कुछ कहने की बात नहीं है। नहीं तो ताहिर खान क्यों कह रहे हैं कि ये सब आप लोग जानबूझ के करवाते हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं आप लोग? देखिए, उनको अगर इस बात का थोड़ा भी ज्ञान होता कि भक्ति जो है
किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं जागती है, भक्ति भाव जो है किसी व्यक्ति के कहने से नहीं जागता है। जिन महिलाओं ने इस ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद को लेकर जो हाँ मंदिर हम उसको मानते हैं, जो महिलाएं जो मानती हैं, जो भक्त मानते हैं, वो लोग गए। अब ये बताइए, जो भगवान को मानता है, जो शिव के प्रति आस्था रखता है, जो राम जी के प्रति आस्था रखता है, वो सब मतलब भाजपा के कहने से मानते हैं लोग क्या? भक्त जो है भाजपा के कहने से लोग हो जाते हैं क्या? आस्था जो है भाजपा के कहने से जाग जाती है? तो ये जो है, ये वो लोग हैं जो राजनीति स्वयं करते हैं, जो स्वयं लोगों को उकसाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और रही बात उबैसी जी की, अब मान लीजिए हम ताहिर भाई को तो पूरा हम संज्ञान नहीं जानते हैं, इनका इतिहास हम नहीं जानते हैं, लेकिन उबैसी जी का तो इतिहास पूरा भारतवर्ष जानता है कि किस प्रकार से उनकी जो पार्टी का जन्म हुआ है, जो उनके पिताजी ने किया था, किस आधार पर किया था। उन्होंने तो बंटवारे का न्यू ही रखा था, वो ये तो हैदराबाद तक को जो है इस भारतवर्ष में रहने देना नहीं चाहते थे। तो बताइए, जिनकी विचारधारा की न्यू ही उस स्तर पर होगी बंटवारे को लेकर, लड़वाने को लेकर, तो उससे आप अपेक्षा शांति की, एकता की, भारत की एक अखंडता की, उससे अपेक्षा आप रखे कहां सकते हैं? तो ये ताहिर सिद्दीकी क्यों कह रहे हैं कि वहां पर एक फाउंटेन, एक फब्बारा था, और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, 1991 का उल्लंघन किया, क्या सब चीज है? तो ये किसने रिपोर्ट, जो उसमें लोग थे किसी एक पक्ष का जो था उसने कहा, उन्होंने अरे आस्था उन्होंने कहा कि अंदर जो है हर हर महादेव हो गया। अरे भाई, वो भावना थी, अचानक भक्तों की भावना जागृत हो जाती है, वो भाव उनको भगवान दिखे होंगे, मिले होंगे, भावना को आप रोक नहीं सकते। तब भी ये नहीं मान रहे? नहीं नहीं, अब नहीं मानने, देखिए ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये भारतवर्ष है, जो देश जो है किसी की इच्छा से, किसी की मर्जी से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, और इस देश में सबको संविधान मानना है, सबको कानून मानना है। ये सरकार वाकई राष्ट्रवादी सरकार है, जो जो भी न्यायालय में होगा, जो भी कानून संगत होगा, विधि संगत होगा, उसको सबको मानना है। कोई भी कानून अपने हाथ में ले नहीं सकता है, ठीक है, आपको बात रखनी है, ठीक है, आप न्यायालय आपके लिए स्वतंत्र है, न्यायालय में जाइए, लेकिन उदंडता, सड़कों पे दंगा, ये इस समय नहीं हो सकती है, ये जान ले। ताहिर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका जवाब देना। हाँ ताहिर भाई बताइए। अभी जो है हमारे जो है बीजेपी के नेता हैं भाई, हमारे कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का और न्यायालय को सबको मानना पड़ेगा, और गजेंद्र भाई ने भी कहा कि जो है न्यायालय का सम्मान करने पड़ेगा, मुसलमानों से ज्यादा न्यायालय का सम्मान करने वाला व्यक्ति आपको मिल ही नहीं पाएगा। जो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद थी, आस्था उनकी भी थी, भगवान शिव में अगर आपकी आस्था है बिल्कुल होनी चाहिए, जिस रिलीजन का जो व्यक्ति है उसको अपने रिलीजन में आस्था होना चाहिए, अपने भगवान के अंदर आस्था होना चाहिए। तो अगर मुसलमान जो है वो अपने अल्लाह से और अल्लाह के घर से अगर मोहब्बत रखता है तो वो उसकी आस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ, जब मस्जिद की जगह पर रामलला को दे दिया गया, तो ये बताइए भारत का मुसलमान ने कहीं दंगा किया? एक मुसलमान ने कहीं उग्रता? ठीक है ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई, चौबे जी कुछ, ताहिर भाई एक मिनट, ताहिर भाई चौबे सुनिए सुनिए, चौबे जी कुछ कह रहे हैं, इनका सुन लेते फिर आ रहा हूँ मैं आपके पास, चौबे जी का सुन ले फिर आ रहा हूँ। चौबे जी क्या कह रहे थे? हमारे ताहिर भाई से बस एक ही प्रश्न है, बाकी तो मान लीजिए न्यायालय का मामला है, उस पर हम बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ताहिर भाई एक चीज आप ये बताइए, क्या मस्जिद में कलश का चिन्ह होता है? क्या मस्जिद में जो है संस्कृत के श्लोक होते हैं? क्या मस्जिद में जो है नंदी जी होते हैं? क्या मस्जिद में जो है 108 कलश के चित्र होते हैं? आप इतना सा मुझे बस बता दीजिए। ठीक है, जवाब लेते हैं ताहिर भाई। देखिए ये तो आप कह रहे हैं ना, ये मैंने अभी किसी मस्जिद में देखा नहीं, और अभी ये सर्वे रिपोर्ट भाई, मैंने कहा सर्वे रिपोर्ट जो आई है, मुस्लिम पक्ष जो वहां पर साथ में था उसने भी इस बात को कहा है कि ऐसे कोई एविडेंस, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये तो दूसरा पक्ष खाली ये बात कह रहा है। तो मुझे तो ये बात कोर्ट में जब सबमिट हो जाएगी, कोर्ट के अंदर ये चीजें शामिल हो जाएंगी, तब पता होगा। और दूसरी चीज, आपने जो एक बात कही कि क्या ऐसे सिंबॉलिक चीजें होती हैं? नहीं होती है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी, बहुत सी चीजें
हिंदुइज्म और मुसलमानों में बहुत से रहन सहन, खाने का तरीका, पहनने का, चीजों का बहुत सा मेल खाता था। यही तो इंसानियत थी। अब आप ये सोचिए कि अगर आप ये बात बार बार, ये बात अभी एक हमारे जो है सर्वण महासभा के जो गजेंद्र भाई कह रहे थे कि जो है वहां पर चंद दिनों के लिए ये मस्जिद है, अब आप ये बताइए वो दो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े बताइए हो गए, इन्होंने तो अभी आदेश दे दिया कि चंद दिनों बाद खत्म भी हो जाएगा, अभी तो फैसला अदालत करेगा। तो बताइए अदालत के फैसले को हम ज्यादा अच्छे से मानते हैं, और ये गजेंद्र भाई तो टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा। मिशन क्या है, मिशन क्या है कि जिस तरीके से बाबरी छीनी गई थी उसी तरीके से ज्ञानव्यापी लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय है कि कानून है, लोकतंत्र है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, हम इसमें अपने जो है आस्था रखते हैं। और यकीन मानिए हम कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके अपनी चीज को मनवाएंगे और अपनी चीज की हिफाजत भी करेंगे। ताहिर भाई त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसा है अभी ताहिर भाई ने कहा, देखिए प्राचीन विरासत की तो बात ही मत कीजिए, ठीक। आप मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि वहां की प्राचीनतम व्यवस्था में काशी में वहां पे कड़कड़ में शिव हैं, कोई घर खोद देंगे, कोई जगह खोद देंगे, शिव ही मिलेंगे। अभी मंदिर के रेनोवेशन में शिवलिंग की एक वहां पे तमाम शाखाएं थी। ये चर्चा का विषय नहीं है, विषय यह है कि जहां नंदी है और जहां श्रृंगार गौरी है वह स्थान भगवान शिव का है। ताहिर भाई, हम और आप इसी व्यवस्था में रहने वाले हैं, आपके भी पुरखे इसी धरती पर रहे हैं, इसी कालखंड में हम हिंदू थे, सनातनी थे, बौद्धिस्त हुए, जैनी हुए, ठीक, कुछ लोग मुसलमान हुए, वो हम ही लोगों में से हैं। आप कहीं लंदन से नहीं आए, इसी कालखंड में हैं आप। तो समझने का प्रयास करें कि वो भगवान शिव का मंदिर है, और जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे महोदय, कोर्ट ने जैसे देखा, सर्वे रिपोर्ट डाइस पे आई, कोर्ट ने कहा सबसे पहले इसको सील करो। अगर कोई साक्ष्य, कोई वहां पे पुख्ता सबूत नहीं मिला होता तो कोर्ट कभी नहीं कहता कि उसको आप सील करो। और जहां पर आप डेली जाते थे, हाथ पैर वहां पे धुलते थे, उसी के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग था। तो कोर्ट ने कहा यहां पहले हाथ मुंह धोलना बंद कराओ इनका। तो ऐसे कोर्ट ने कहा ना, किसी व्यक्ति, कोई वहां पे हिंदू तो गया नहीं। और जो आपने बात कहा कि कानून को मानने में जितना मुसलमान सहयोग देता है इस राष्ट्र में, कोई नहीं देता है। तो इस ये शब्द, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी, तो आपके ही जैसा हिंदू भी, नितिन जी ये बताइए, वो गजेंद्र भाई से, त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी कहा कि जिस जगह वजू किया जा रहा था वहां पे शिवलिंग निकला और कोर्ट ने उसको जो है बंद करा दिया, आप ये बताइए आपको ये कैसे मालूम हो गया कि कोर्ट ने बंद करा दिया, या आपको कहां तक के इसकी ज्ञातक थी इस बात को कि आपने को मालूम है? और कोर्ट की ये सुनिए, कोर्ट को ये बात लीकेज नहीं करना चाहिए, और कोर्ट जब तक के किसी जजमेंट पे नहीं आता है तब तक के उसका डिक्लेरेशन नहीं होता, ये कैसे लीकेज हो गई ये रिपोर्ट, आप ये बताइए, उसका उत्तर दे रहा हूं। हाँ, उत्तर, उसका उत्तर, जब कोई डायरेक्शन डायस पे कोर्ट द्वारा दिया गया, आज वह डायरेक्शन सार्वजनिक है, जो कोर्ट के अंदर थे वो सभी ने सुना, और जब कोई सुनेगा तो बात बाहर जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी को, डीजीपी को और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देशित किया कि तत्काल वहां पर पुलिस फोर्स दिया जाए, उस एरिया को सील कर दिया जाए। तो आप जो बात कह रहे हैं, अब साक्ष्य, जहां तक बात आपने कहा कि एविडेंस, नहीं तो क्या शिवलिंग निकल चुका था? शिवलिंग आपका उस वक्त आ गया था जब उसने कोर्ट को बताया, जब जो कोर्ट, बताइए, जब शाम, मेरी बात हो, लंच के बाद का पूरा ये मैसेज है, और उसमें जब कोर्ट के पास एविडेंस गया तो एविडेंस कोर्ट ने देखा, और कोर्ट देखने के बाद ही ये निर्णय दी। ये बताइए, अगर वो एविडेंस कोर्ट नहीं देखती तो कोर्ट को कोई वहां पर सपने नहीं आ रहे हैं।
कोर्ट ने जैसे एविडेंस देखा, त्रिपाठी जी अभी आपने कहा कि वहाँ की अभी कोई बात लीकेज नहीं हुई है और सोशल मीडिया पे जैसे अभी मैं ताहिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि बाबा जी मिल गए, बाबा जी मिल गए हैं, फिर आप कैसे आ गया? दो बात नहीं ताहिर भाई, सॉरी दो बात नहीं है वहाँ पर, वहाँ बात है कि एविडेंसेज लीकेज नहीं हुए हैं, कोर्ट से कोई एविडेंस लीकेज नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने जो एविडेंस देखा उस एविडेंस के आधार पे कोर्ट ने कहा कि तत्काल वहां पर बैरियर लगाए जाएं, फोर्स लगाए जाएं, उस एरिया को सील किया जाए। इससे पहले भी तो बाबरी मस्जिद में सब कुछ हो चुका है, जब तक के पुरातत्व ने पूरी रिपोर्ट नहीं दे दी उससे पहले भी तो बाबरी मस्जिद को भी सील किया गया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये जो पहले से लोग रूमर उड़ा रहे हैं, ये देश की रूमर अगर उड़ा रहे हैं तो कोर्ट ने भी तो संज्ञान लिया ना उससे, रूमर नहीं, रूमर कैसे कह सकते? नहीं नहीं, डिसीजन नहीं आया, कोई अभी डिसीजन नहीं दिया कोर्ट ने की आधार पे ये ऐसा हुआ है, अभी शिवलिंग आ गया है, कोर्ट ने क्या ऐसा कहा? नहीं, इसको रूमर भी तो नहीं कहा जा सकता। नहीं नहीं, अब ये जो भी वहाँ पे साक्ष्य है, साक्ष्य है तो वो 17 तारीख को जो भी एविडेंस है क्लियर हो जाएगी। आपकी बात, आपकी बात बिल्कुल ही सही है, अक्षरशः सही आपकी बात है कि कोई एविडेंस समाज में लीक नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट के संज्ञान में पूरा एविडेंस आ गया है और उसी एविडेंस के आधार पर निर्णय नहीं लिया, लेकिन तत्काल उसको नहीं नहीं, जिसको हम स्टे कहते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में जनरल लोगों को समझने के लिए एक तरह से स्टे है, ठीक है, रोकथाम है, इस एरिया में कोई भी आदमी नहीं जाएगा जी, ये कोर्ट ने किया। ठीक है, ताहिर भाई क्या कह रहे थे? ये बता रहे हैं कोई चीज लीकेज नहीं, आप मोबाइल पे देख लीजिए उसको, जो मैं जूम करके, अरे उस पर देखिए, नंबर है, अब आप देखिए नंबर है उस पे, ये बताइए मोबाइल पे एडिटिंग चीजें आती है। अरे ताहिर भाई, सोशल मीडिया की बातों पे चलेंगे? हम लोग टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, पूरा देश हमको सुन रहा है, हंस रहा होगा आपके ऊपर, सोशल मीडिया तो आपके या मेरे ऊपर लगाकर पेश कर देंगे। अरे ताहिर भाई, कहीं साइन आप ही करना आ जाए, एडिटिंग ऐसी है। अरे फिर सर है ताहिर भाई, एडिटिंग कोई भी चीज की हो सकती है, जो आदेश पारित हुआ है अपने आपके पास अगर कोई व्यवस्था है तो उस व्यवस्था से मैसेज वहां से ले लें आप। अच्छा, और नहीं है सवाल है मेरा जी, ये बताइए 1991 में जो ये कानून बना, ये बताइए वर्कशीट एक्ट, ये उसका वायलेंस है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे योग्य व्यक्ति डायस पे बैठा हुआ है, आप बताएं ना? नहीं, आपसे योग्य व्यक्ति डायस पे बैठा हुआ है, वो कानून का विद्य है, वो जज है, वो आपसे ज्यादा जानता है। जब कोई केस एक्सेप्ट किया जाता है, ताहिर भाई मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अरे सुनिए तो मेरी बात को, ताजमहल का मैटर गया, ताजमहल के मैटर में क्या कहा कोर्ट ने कहा कि जा करके PhD करके आइए, ताजमहल से बहुत कुछ जो है देश के अंदर जो है आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है, इसलिए कह दिया, इसलिए कह दिया, काशी में आपको मालूम तब नहीं है, विश्व की धरोहर, विश्व को टारगेट खाली किया गया लेकिन ताजमहल पर फैसला नहीं आएगा, ऐसा है, सेट करते हैं भाई, एक बात बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो कानून कोई, जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि वो कानून बदला नहीं जा सकता है। तो आप कहां पार्लियामेंट में तो बदलेगा, ठीक है, तो पार्लियामेंट में कानून भी बदला जाएगा, बदला जाएगा ना बिल्कुल। और अभी तो स्पेस है, 3-3 ऑर्डर है वहां पर, उस मैटर पर 3-3 ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट में है, आर्टिकल 1991 पे साफ। अरे कैसी बात करता है भाई, कोर्ट में जज बैठता है, हम आप नहीं बैठते, जो मटेरियल पे नहीं है। अब आप ये नई चीज देखिए, ये नैरेटिव, जज को ये पता नहीं होगा, 2000 जो वहाँ निर्णय करता है, जिसने सर्वे का ये आदेश दिया, क्या उस जज को माननीय जो है उनको ये संज्ञान नहीं होगा, क्या उनको संज्ञान नहीं होगा? क्या लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज जो है सेशन में नहीं किया जाता? अरे करिए तो चैलेंज, हाई कोर्ट को किया जाता, हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट तक जगह है, सुप्रीम कोर्ट तक जगह है, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जगह है, आपकी लोअर से हो सकती है, सेशन से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ,
आप जिला न्यायालय के निर्णय का, उनके निर्णय को चैलेंज हाईकोर्ट में कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कीजिए। एक और सवाल मैं आपसे है मेरा, तीन मोहम्मद ने सन 1937 में एक पिटीशन दाखिल करी जैन जाति के मैटर से, ठीक है, एक कमीशन आया, फिर उसके बाद सजेशन को लेकर के, फिर उसमें जो है सन 1942 में मस्जिद जहां पर थी उसका हिस्सा बांट दिया गया, और उसके बाद खैरोनाथ जहां पर मामला थे उनके ज्ञान, उसके बाद वहां पर जो है बैरिकेडिंग लगा करके बाकायदा जो है निशानदेही कर दी गई। तो ये बताइए 1937 से 1942 तक जो है वहां पर भैरवनाथ प्रकट नहीं है, शिवलिंग नहीं मिला। अच्छा ये बताइए मुझे आप, सिंगार गौरी का पूजा कहां मस्जिद में कहीं पे माता गौरी का पूजा होता है क्या? डिस्ट्रिक्ट तो माता गौरी कहां विराजमान है? मस्जिद के बाहर एक मस्जिद के अंदर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मस्जिद में मस्जिद के अंदर सिंगार गौरी होती है कहीं? इस भारत में है कहीं? नहीं तो वो, अरे जब वो नंदी जी है कि नहीं वहाँ पर? नंदी जी है वहाँ कि नहीं मुझे बताइए आप, नहीं आप कह रहे हैं नंदी, सही बताइए नंदी जी, नंदी जी आज भी वहाँ पे है कि नहीं मुझे बता दीजिए। आप बताइए कि जो ये आप कह रहे हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से मीडिया दिखा रही है, समाज दिखा रहा है, नंदी जी भी वहाँ पर, सब लोग हैं वहाँ, तो शंकर जी क्यों नहीं होंगे? माने आप तो बड़े, देखिए हकीकत ये है कि एक होता है कि विरोध ही करना, हर हाल में विरोध केवल करना है, तो विरोध जितना करना हो कर लीजिए आप, लेकिन कानून इस देश या देश कानून से चलेगा, आपके विरोध से नहीं चलेगा। फिर उसके बाद उस पर कोई अगर कोई बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं भाई आप भी कुछ सहमत नहीं लग रहे, कुछ नाराज नाराज से लग रहे हैं, क्यों? नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है 2024 का इलेक्शन डेढ़ महीने का रह गया है, ये सारी अब ये क्यों इसलिए निकल के आ रही है, जो 362 साल पुरानी हो गई है ज्ञान यापी मस्जिद और 1669 में बनाई गई थी, आप ये बताइए कि उस तक के अभी तक के किसी का विरोध नहीं था, ये 28 साल पहले जो उसमें देखिए आपको बता दूं 1991 का जब आर्टिकल आया था सुप्रीम कोर्ट से कि कोई भी पुरातत्व को किसी की भी छेड़ा नहीं जा सकता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अभी आप उसको क्या मतलब आप उसको न्यायालय को आपको क्या कर रहे हैं, आप पहले ये बताइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या शीशा दिखाना चाह रहे हैं आप? तो मेरा ये कहने का मतलब है हमें अपने देश को देखना है, हमें मामले में आप लोग ने क्यों निकाह के नहीं करवाओ, वो हिंदुस्तान की नहीं कर रही है, मोहन जी सुनिए पूरी दुनिया में आपकी नाक है ताजमहल, आपको हिंदुस्तान को पहचाना जाता है ताजमहल को, आपके हिंदुस्तान को जी, इसलिए सिर्फ हो गया मान राजा विश्वनाथ राजा मानसिंह गौरी जी को जी, नंदी जी को मैं उसके पूरा मैं भी रखता हूँ नहीं जानता, राजा मोहन सुनिए सुनिए आपको मैं बता दूं सुन लीजिए, जिस वक्त 152 बीघे के अंदर ताजमहल का एरिया है और राजा मानसिंह से लिया गया था और वो भी किसी की धरोहर नहीं थी और राजा मानसिंह से ये पूरा खरीदा गया था, बात ये भी समझ ली कि जो भी मंदिर हम आपका हो या मेरा हो, और मैं अपने उसके लिए खास कहता हूँ कि जो भी मस्जिद हमारी बनती है वो कोई गलत जगह पर नहीं बनती है, वो जमीन खरीद के बनती है, आज भी आप हिंदुस्तान के अंदर अगर चले जाएं जिस पार्क में देखेंगे आप वहाँ पे आपका मंदिर बना होगा, जिस ऑफिस में जाइए आपका मंदिर बना होगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ नितिन साहब आप ये अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में देख लीजिए, चाहे आप हमारी रोशनदौला लाइब्रेरी में देखिए, जब नवाब लोग जो अपने को कोई किला बनाते थे वो अंदर एक मस्जिद बनाते थे, चाहे छोटा इमामबाड़ा हो चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो, मैं अपने तथ्य के साथ बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मस्जिद उस जगह नहीं बन सकती है जहां कोई विवादी या कोई ढांचा या कहीं पे कोई चीज मिलते हैं। तो ये शिवलिंग कहां है आज पता चल गया कि तो ये अब शिवलिंग क्या है ये मैं सर्वे रिपोर्ट के बारे में देखना चाहता हूं, ये तो क्या कह रहा है भाई, उसके बाद में जब कुछ होगा वो फिर आगे नंदी महाराज है वहां पर गौरी माता का मंदिर है वहां पर शिवलिंग नहीं है, सर्वे की रिपोर्ट में स्वास्तिक है, सर्वे रिपोर्ट छोड़ दिया जाए, सर्वे रिपोर्ट छोड़ दिया जाए, उस मस्जिद के अंदर उस मंदिर के अंदर आप देखें तो गौरी जी विराजमान हैं और नंदी जी विराजमान, मुझे इस देश की कोई एक मस्जिद बता दें जहां ये दोनों चीज होते हैं, और या दोनों जहां नहीं है चिन्ह बने हो, नहीं नहीं जिस जिस मस्जिद में नहीं है वहां एक नंदी जी और एक गौरी जी स्थापित कर लीजिए। नितिन जी एक बात कहना चाहता हूँ, स्वास्तिक का चिन्ह, नितिन जी एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की इतनी अच्छी परंपरा थी, आपको तो मालूम है कि धनेरा वाली मस्जिद का मिस्टर काशीराम जो थे उस वक्त नवाब थे और उस वक्त सिपहसालार बहुत एक नाम का था, देखो मैं अभी उसका नाम ध्यान दिला रहा हूँ आपको कि उस वक्त इतना बदतमीज सिपहसालार सिपाही था और काशीराम जो पंडित जी थे उनकी बेटी शकुंतला थी
जो ये 1629 में 1773 में ये 1673 में जो आपका धनेरा वाली मस्जिद बनी है, तो उनके पास में वहाँ का जो अभी इब्राहिम खान करके बहुत खतरनाक से पैसालार था, और काशी राम की जब बेटी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, तो काशी राम की बेटी को उसने, इब्राहिम ने कहा कि साहब मैं उसको जो हूँ उठवा लूँगा, और वो बहुत बदतमीज टाइप था, और इसकी जो है मतलब जो है काशी राम ने कहा बेटी से कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तो उन्होंने कहा बेटी घबराओ मत, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास है, हमारे देश का ऐसा ऐसा जो है मतलब जो है बादशाह है वो इंसाफ पसंद है, आप उसको वहां जाना पड़ेगा आपको दिल्ली, आपने उस जो था जो जो उसको आप बता रहे हैं उसको जो सिपे सालार था वो इतना गंदा था, उसने एक हफ्ते का टाइम दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं साहब एक हफ्ते का नहीं, आप एक महीने के ले लीजिए टाइम, क्योंकि दिल्ली उस वक्त जाना बहुत ही वैसा था कि आप जानते हैं कि घोड़ों से गई, तो वो लड़की शकुंतला खुद गई दिल्ली, और उसने जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मिली, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटी, तो उन्होंने कहा अरे बेटी कैसे, वो अपना कपड़े लिबास बदल के वो गई, तो उन्होंने उनका लेटर हाथ से ना लेके, उनको नितिन जी सुनिए, लेटर ना हाथ से लेके उन्होंने कपड़े से लिया, तो कहा कि साहब ये एक जैसी भावना क्यों, दूसरी भावना क्यों, उन्होंने कहा तुम बेटी हो, तुमका तुम महल में, उनको बुलाया कहने तुम रुक जाओ, आपको मैं बता रहा हूँ उस बच्ची को, उसको खाना पिलाया खिलाया और आश्वासन दिया औरंगजेब ने कि तुम पहुँचो बनारस और मैं आ रहा हूँ, आप यकीन मानिए कि वो दिन आपने, उन्होंने खाना ना पाया कुछ भी, वो लड़की आई और उसका टाइम पूरा हो चुका था, वो उसी तरीके से डोली में बैठ के उसके महल गई, और सब कहीं वो दे रहे थे कि मतलब ये लोग खुशियों में सब बांट रहे थे, उस वक्त औरंगजेब उसी में आके शामिल हो गए, औरंगजेब ने कहा कि ठीक है मुझे भी हदिया मिलना चाहिए, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया और उसका पकड़ा इब्राहिम खान का, उसका पकड़ने के बाद में एक जो थप्पड़ मारा उसके कई दांत बाहर आ गए, उसके बाद में उन्होंने अपने सिपे सालारों से कहा, सिपाहियों से, कि जाओ सिपाहियों चार हाथी लेके आओ, चार हाथी जब आए तो उनके एक हाथ बांधा गया, एक इधर बांधा गया, और चारों दोनों हाथों पैरों को बांध दिया और हाथियों को हका दिया, एक इधर चले जाओ एक इधर चलो, उसी वक्त इब्राहिम खान जो है उसकी टांगे चीर के सब खत्म हो गया, पब्लिक ने कहा कि ऐसा हमने इंसाफ औरंगजेब का कहीं नहीं देखा कि इतना बड़ा बादशाह, उन्होंने कहा काशीराम आप हमें पानी पिलाइए, काशीराम जी ने, उन्होंने पंडित जी ने लोटे से पानी लाया लाए और पानी पिलाया, कहा कि आज तुमने हमारी बहुत इज्जत बचा ली, शकुंतला रो के भी आई, हंस के चिपट गई, कहने के सर चौबे जी कुछ कह रहे हैं, नहीं नहीं सुनिए एक सेकंड, वो इस तरह बता रहा हूँ कि जब उन्होंने पिया सुनिए, तो उस जगह उन्होंने जल्दी से उस जगह, मैं ये आपको त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, आप उसी इतना भेद बता रहा हूँ कि उसी जगह मस्जिद, उन्होंने कहा धनेरा मस्जिद की जमीन काशीराम ने दी है, पंडित को सुनिए, देश का बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये भाजपा सरकार जो है ये बांटना चाहती है, चौबे जी चौबे जी भाजपा का नाम लिया है इस देश में, इस देश को इन लोगों ने आगे इससे पहले अटल बिहारी, इस देश में प्लीज 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 इस देश में, नहीं सुनिए, इस देश में भी आज भी ऐसी सरकार है, ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, और सारी व्यवस्था सुदृढ़ रूप से देश की चल रही है, और आज भी इस देश में सभी समाज सभी धर्म के लोग सुरक्षित और व्यवस्थित हैं। नितिन जी एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है, जल्दी से सर, जल्दी से आप ये बताइए, अभी बाबरी मस्जिद के सामने है, अभी वहाँ क्या नाम अयोध्या में मस्जिद के सामने मांस फेंका गया और कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े गए, 11 आदमियों के उसमें वही 7 आदमी पकड़े गए, क्या बाबा मैं जवाब दूं, चौबे जी चौबे जी चौबे जी जवाब दीजिए, 7 आदमियों के वहाँ बिल्डोजर चलाए, चौबे जी जवाब दीजिए, फिर प्रदीप जी के पास, खारगोन में एक आदमी पत्थर फेंकता है, प्लीज हो गया, नहीं भाई नहीं भाई, घर डिमोलिश कर दिया, हो गया नहीं भाई, हो गया हो गया, इन्होंने एक लुटेरे, एक आक्रांता, एक हत्यारे को कितना महिमा मंडन किया, आप देखिए, वही ये भूल गए तेग बहादुर जी को, उनके बच्चों को इस्लाम ना कबूल करने के लिए जिंदा चुनवा दिया था, ये भूल गए, मथुरा जी में भी इन लोगों ने, जो औरंगजेब है उसने वहां पर भी जो है, जहां जहां मतलब हमारे हिंदुओं के जो देव हैं, चाहे वो मथुरा जी हो, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे काशी जी। अच्छा एक चीज और है चौबे जी, मैं पिछली डिबेट भी कर रहा था और उसमें भी कुछ मुस्लिम स्कॉलर आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो काम औरंगजेब करके चला गया उसकी सजा हम क्यों भुगतें,
और नईम भाई दूसरी चीज बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए सत्यता है और मैं बता रहा हूँ सहमत हूँ। सबसे बड़ा इनका जो है पर्वत कौन सा है, आप पर्वत बताइए। चौबे जी का चाइना से जीत के दिया था, औरंगजेब से हमारे देश का मुसलमान जोड़ता क्यों है उनसे, औरंगजेब से क्या संबंध है। चौबे जी जानती है कि कितनों लोगों को काट दिया ना, इस्लाम नहीं कबूल करने पर जो है मार डाला, हत्या कर दिया। यही बनारस में हत्या कितने पंडितों का कराया, कितनों का। और एक पता नहीं कौन से ऐसी कहानी खोज कर ला देते हैं एक और बताते, अरे ये हत्या क्या कम हो जाएगी क्या, जो है लूटा उन्होंने हिंदुओं को, घरों को जलाया, उनके मंदिरों को 32,000 से अधिक मंदिरों को जो है तहस नहस कर दिया। और देखिए मस्जिद, अगर कहते हैं अगर मस्जिद बनाना होता तो मस्जिद अपना अलग एक जमीन में बनाओ, वहां पर जहां मंदिर है उसकी दीवारें चीख चीख के बोल रही हैं। क्या घंटा मस्जिद में बना होता है, क्या स्वास्तिक जो है मस्जिद में बना होता है, क्या नंदी जी किसी मस्जिद के सामने होती हैं, क्या जो है मस्जिद में एक वर्ष किसी भी मस्जिद में गौरी जी का श्रृंगार करने के लिए महिलाएं जाती हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उस आक्रांता को, उस लुटेरे को, उस हत्यारे को किस प्रकार का महिमा मंडन। ठीक है अब, और अब फिर आप कहते हो कि भाजपा, अरे भाई क्या भाजपा सबसे कहती है कि भाजपा के आते ही भगवान उत्पन्न हो गए, भाजपा के आते ही भगवान के प्रति आस्था बढ़ गई, क्या भाजपा के सिखाने से शिव जी को लोग मानने लगे, श्री रामचंद्र जी को मानने लगे। देखिए कैसी बातें करते हैं कि भाजपा ये सब करा रही है। ठीक है चौबे जी, ठीक है ठीक है। प्रदीप भाई आवाज मिल रही है आपको? जी, आपने सुना सबकी बातों को, क्या पक्ष है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारी बातें सुन रहा हूँ और मैं ये मान रहा हूँ कि ना तो कोई किसी के बनाने से हिंदू बनता है ना मुसलमान। धर्म अपना है, सब अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस धर्म के आड़ में जो राजनीति की जा रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ अगर हिंदुओं को खत्म करना होता तो 400 वर्ष मुगल शासन रहा, उसके बावजूद भारत में हिंदू रहता है? जजिया देकर, जजिया पैसे दिए ऐसे नहीं जीवित रहे, जजिया देकर जीवित रहे, इस बात को एकदम काटते हैं हम। जजिया दिया है जीवित रहने के लिए, पैसे दिए हैं हमने तब जीवित बचे हैं। ये टैक्स में होता है जजिया, जैसे जीएसटी चल रही है 18% चल रही है। आज मैं कहता हूँ देश के अंदर इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, 110 तक के चला गया है, और या सीएनजी इतनी महंगी चली गई है, सिलेंडर इतना गैस का महंगा चला गया है। प्रदीप जी की बात हो रही है, प्रदीप जी प्लीज। देखो धर्म अपनी जगह है और आस्था किसी को थोपने से नहीं मिलती है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसको मानते हैं, हमारे जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदुओं में हमारे यहाँ मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, ये आस्था का विषय है। लेकिन सरकार के कुछ और भी काम है, सरकार के काम है नौजवान को नौकरी देना, बहन बेटियों की इज्जत। आप प्रदेश में आज हालत देख रहे हो नितिन जी, उन्हें फीस दबिश देने जाती है, पकड़ने जाती है, गोली से मार देती है लोगों को। इन सारी बातों का और धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। कानून जो है सबके लिए बराबर है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय का फैसला आप बताइए कौन नहीं मानता इस देश में। प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय का सम्मान करता है, सरकार से ज्यादा लोग न्यायालय को मानते हैं। जब सरकार से प्रताड़ना मिलती है, सरकार से न्याय नहीं मिलता तो लोग न्यायालय जाते हैं। तो न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, न्यायालय का जो आदेश होगा सब पालन करेगा उसका, और जो जिसको न्यायालय पे भरोसा नहीं वो उच्च न्यायालय जाए, एक से ऊपर न्यायालय पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक, हमारे तो राष्ट्रपति तक अपील होती है। प्रदीप भाई चौबे जी कुछ कह रहे हैं, चौबे जी कुछ कह रहे हैं, ले फिर आपके पास आ रहे हैं। हां चौबे जी जल्दी से देखिए, जब सब कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर सब कुछ डाल रहे हैं, तब फिर ये भाजपा का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, क्या, वो तो क्या, उस पे ले रहे हैं ना, कानून व्यवस्था और रोजगार। कानून व्यवस्था रोजगार पे ये क्या बात करेंगे? इनकी जब सरकार थी 5 साल, तब इन्होंने जो है मात्र सरकारी नौकरी, सुन लीजिए हम आपको रोजगार पे बात करते हैं, किसानों पे बात करते हैं, महिला नहीं रोजगार पर, सुनिए, ये इन्होंने मात्र 1,92,000 सरकारी नौकरियां दी है, हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार, इनसे 2.5 गुना अधिक रोजगार हमारी सरकार ने दिया है। ये रोजगार पे क्या बात करेंगे? ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके नेता स्वयं का कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जिनके जो है अखिलेश यादव जी की पत्नी कहती है छेड़े जाने पर कि हम नेता जी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, इनके नेता आजम खान जो है महिला के अंतर वस्त्रों को झांकते हैं, ये महिलाओं की रक्षा की बात करेंगे। दूसरा कोई गाना नहीं है आपके पास? अरे आप दूसरी सरकार में भूल गए हो क्या, पिछली सरकार आपकी थी? आप
मुझे लगता है भूल गए पिछली बार सरकार में नहीं थे। अरे तो सरकार वही तो बता रहे हैं, सरकार के बता रहे हैं कि टाइम बना दो पिछली सरकार आपकी दूसरी सरकार है आपकी। अरे सरकार हमारे रोजगार पे आप चर्चा नहीं कर पाते, हमारे मुख्यमंत्री नहीं रोजगार पे डिबेट नहीं होगा, रोजगार पे डिबेट होगा फिर अगली बार करूंगा आप लोगों में। नहीं 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 जवाब दे, नहीं नहीं हो गया, नहीं नतीजे पे आते नितिन जी, इनको इनको हम जवाब देते हैं, ये आ रहे हैं ये समय कम है भाई, मुद्दे पे आइए। मुख्यमंत्री बलात्कारियों और खनन माफियाओं के संबंध साझा करते हैं, मैं बुलाऊंगा आपको, वोट मांगते हैं, ये बात करेंगे, इन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई, ये बात करेंगे, ठीक है, ये तो मानते ही नहीं है। हो गया आप लोगों का, प्रदीप भाई अरे वो स्वस्थ है भाई, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, हिंदुओं पे गोली चलाने वाले ऐसी ही भाषा बोलेंगे, खाली फर्जी इतिहास बताते हैं। अरे सुनिए, जब आप भी जब स्वर्ग पे कोई जाता है ना परिवार का, तब भी राम 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 और बच्चे के जन्म लेने पर भी जो है, चलिए ठीक है, प्लीज 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 का नाम लिया जाए, ठीक है, नहीं भाई कुछ कह रहे, प्लीज हो गया आप लोगों का, आ गई बात, आ गई बात, आ गई, शांति रखिए प्लीज 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 प्लीज, नहीं भाई क्या कह रहे, जल्दी से बात पूरी, इतने भी प्रदीप भाई आ रहा हूँ जी, प्रदीप जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक बीजेपी ने बनाई है, कितने ठीक है, ठीक है, प्लीज आ गई बात, आ गई बात, आ गई प्लीज, ठीक है, बात आ गई बात, आ गई बात, आ गई बात, आ गई, प्रदीप जी कुछ कह रहे, प्रदीप जी कुछ कह रहे, प्लीज ठीक है, नहीं भाई नहीं भाई बात आ गई ना, प्लीज 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 शांत रहिए, थोड़ा प्रदीप जी को सुन लेते हैं उसके बाद आते हैं, हाँ प्रदीप जी पूरी कीजिए अपनी बात, नहीं नहीं प्लीज प्रदीप जी को सुन लेते हैं, हाँ प्रदीप जी, नितिन जी एक घंटे से डिबेट में हूँ, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, नहीं नहीं बोल लीजिए सर प्लीज, मैं चौबे जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछली बार सरकार चला ली है, अब आप दूसरी सरकार में हो तो पुरानी सरकारों को रोना बंद करिए, आपका मंत्री कह रहा था पिछली सरकार ने अगर लाइट बनाई होती तो हम लाइट दे पाते, अरे भाई पिछली सरकार आपकी 5 साल रही है फिर भी आप लाइट नहीं बना पाए, आप खनन की बात कर रहे हो, आपका एक SSP आज भी फरार है व्यापारी की हत्या करा के, क्या वो भी हमारी सरकार थी, अरे हम तो अपनी क्या व्यापारी की हत्या समाजवादी सरकार में थी, 2 लाख सरकारी नौकरी दी, हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं, डिबेट डिबेट उस पे भी है, ठीक है, एक बात मैं आपसे कहूं, हमारे इस देश में धर्म को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा, एक घर में अगर हम लोग 5 लोग हैं तो कोई भगवान शिव को, कोई भगवान कृष्ण को, कोई भगवान राम को, कोई दुर्गा जी को, कोई नवग्रह देवता को, कोई पीपल के पेड़ को, सभी लोग पूजते थे और हमारे घर में कोई विवाद नहीं था, कभी कोई विवाद नहीं होता था, न बाप बेटे से कहता था और न तो माँ बेटी से कहती थी कि दुर्गा जी को क्यों तुम पूजती हो, तो इससे अच्छा लेकर के संतोषी जी हैं, उनसे अच्छा तो हनुमान जी हैं, ऐसी कोई बात हमारे देश में नहीं होती। त्रिपाठी जी जल्दी से, आज जो लोग आए ये लोग आ करके जब से इस बात को रखे कि अल्लाह ही बड़ा है, अरे कितने दिन पहले आया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये विषय ठीक है, ताहिर भाई जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए फिर डिबेट खत्म करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि भाषा जो है, अल्लाह बड़ा है, ये कहां से आया, कब आया, ये सब ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, मुझे बताइए कितने इस्लाम का आना इस विश्व में, इस धरती पर इस्लाम कब आया, किसी के भगवान को तकदीर नहीं कह सकते, इस्लाम कब आया मैं बता रहा हूँ आपको, इस्लाम मैं इसलिए नितिन जी सुनिए, नितिन मैं इनको डिफरेंट जल्दी से प्लीज 30 सेकंड, आप उत्तर दे, मैं ये कह रहा हूँ जब कोई मुसलमान बैठता है मैं कह रहा हूँ आदम अलैहिस्सलाम से मैं आता हूँ, मैं आदम और आप भी जानते हैं कि हव्वा आदम की बीबी हव्वा थी, और आदम अलैहिस्सलाम लंका में उतरे थे और बीबी हव्वा मिस्र में डाली गई थी, आप ये बताइए मैं आदम से पैदा हूँ हव्वा से पैदा हूँ आप लोग किससे पैदा है, आप बताइए, मनुष्य हम मनु किस मनु के हैं, हम लोग ब्रह्मा जी के पुत्र मनु आदम रूपा से हैं, आदम पे जाते हैं आप भी, और सुनिए मोहन जी मैं आपको 5वीं सदी में जन्म हुआ, आप भी आदम से आए हैं, आप भी आदम से आए हैं, मुक्त वंश था, चलिए ठीक है प्लीज समय कम है प्लीज ठीक है प्लीज थैंक यू, सब दिखा दूंगा,
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस सदी में भी हम जिन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे इस वक्त बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये मुद्दे अब धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी और आपकी आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन मुद्दों के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के प्रदेश प्रदेश में एक अलग ही बयार चली हुई है और लगातार ये मुद्दे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल 17 तारीख के बाद क्या नतीजा आता है, कोर्ट क्या फैसला करता है, ये देखना अहम है। लाल आज के डिबेट में था, मुझे दिन में नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।